हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते जी. आई एम कोमल सिंह एंड वी वेलकम यू टू द थर्ड डे ऑफ वुमेन वेलनेस योगा वर्कशॉप. एंड टुडे वी आर टॉकिंग ऑन मेंटल हेल्थ. बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट और डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद कामिंग योर सेल्फ. Take deep breaths. Inhale. Retain. Exhale. जब भी आपको लाइफ में स्ट्रेस फील हो रहा है या कभी भी कोई बिल्कुल कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसी डीप ब्रेथ्स लेंगे तो आप फॉर द मोमेंट आप शांत हो जाएंगे. आप डिसीजन क्या लेना है आप उसके बारे में सोच पाएंगे. अगर बहुत सारा गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगा. तो हम इसी से आज अपनी सेशन स्टार्ट करेंगे. विल टेक डीप ब्रेथ्स. वेरी वेल डन. सबसे पहले जब भी मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी डीप ब्रेथ्स ट्राई करूँ, एक्सरसाइज करूँ इनको. इससे मेरे सेशन को अच्छे से करने के लिए मेरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, माइंड काम हो जाता है, सूद हो जाता है और आप अच्छे से फुली इनटू द मोमेंट कॉन्शियस होके आप अपने प्रैक्टिसेस कर सकते हो. और ये एक्सरसाइज आपके लाइफ में भी जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, एन्जाइटी लग रही है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, आप इरिटेट हो रहे हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. इट रियली वर्क्स फाइन एंड वेल फॉर मी. तो आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई इट फॉर वंस. तो आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ. पहली बात, हमारी मेंटल हेल्थ जब हम इस पर बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि पागलपन या दिमागी तौर पे कमज़ोर इंसान के बारे में बात चल रही है. वो कुछ कंडीशंस होती हैं जो आ जाती हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एज इन हम हमारा सोचने का जो नज़रिया है, हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें कैसे किसी की बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के में आता है. और जब हम अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं, हम अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो हमें अपने मेंटल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है. और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप
माइंड से शांत नहीं है तो आप फिजिकली भी बेटर नहीं हो सकते। आपका ब्रेन आपके हर एक ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करता है, उसे चलाता है। जब अगर आपका ब्रेन ही शांत नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैसे शांत चलेगी। तो पहली बात तो जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इसमें घबराना नहीं है कि अगर आपको स्ट्रेस फील होता है या आपको डिप्रेशन से आप लड़ रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं है। ये एक दौर है, ये एक वक्त है जो निकल जाएगा, तो इसलिए इस बारे में बात करनी है। और जितनी आप बात करेंगे उतना आप रिलीज होंगे, उतना आप शांत होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में भी काम करना है और फिज़िकल के साथ मेंटल हेल्थ पे हमें काम करना है, ध्यान रखना है, अपने माइंड को भी शांत रखना है। और इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी हमारी फिज़िकल हेल्थ की है। तो मेंटल हेल्थ को हम कभी भी अपने किसी भी फिज़िकल हेल्थ कोर्स में से हम नहीं निकालेंगे। हम अपने मेंटल एस्पेक्ट पे भी उतना ही ध्यान देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करने से पहले इनहेल अच्छे से करेंगे, हम जितना हम ऑक्सीजन भर सकते हैं अपने लंग्स में उतना हम अच्छे से इनरिच करेंगे उसे। और जब हमें एक्सहेल करना है उससे जस्ट पहले हम थोड़ी देर उसे रोकेंगे भी, थोड़ी देर कोशिश करेंगे, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे, हल्का सा उसे रोकेंगे, थोड़ी देर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कैसे हमने उस चीज़ पर कंट्रोल पाया है। जब वो हो जाएगा, जब आपको लगे कि अब आप नहीं कर सकते, आप उसे रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे करके ये राउंड्स हम 10 बार करेंगे, आप मेरे साथ करोगे। अगर आपको अभी बोलने के बाद समझ नहीं आया तो आप रुक सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो विल स्टेट बैक स्ट्रेट, एंड नाउ विल इनहेल। Retain exhale। तो आप समझे क्या करना है, हमें सांस भरनी है, थोड़ी देर उसे रोकना है, जितनी देर आप कोशिश कर सकते हैं उतनी देर आपको रोकना है, और रोकने के बाद उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे आपकी आपकी बॉडी, आपका माइंड कोऑर्डिनेट करके एक एक्शन साथ में कर रहा है। आपको उसे समझना है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करके जब आपको लगे कि आप इतना ही कर सकते हैं तो आप उसे रिलीज़ कर दें। तो विल ट्राई इट अगेन। Exhale. Again, inhale. Wait. Exhale. And relax. One more time, inhale. Wait.
वेरी वेल डन। अगर आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्साइटिंग करनी है तो आप अपने सामने एक घड़ी रख सकते हो, आप उस पर चेक कर सकते हो कि आप कितने सेकंड्स के लिए आप इसे रोक सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो। और सांस रोकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स पुश कर दें और आप अनकॉन्शियस हो जाए, आपकी विद इन लिमिट्स आपके कॉन्शियस के हिसाब से आप जितना कर सकते हैं मुझे बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस के दौरान कितने सेकंड रोकने की कोशिश की। तो हम अब इसे फिर से करेंगे और हम इसे एक्साइटिंग करेंगे, देखेंगे कि हम कितनी देर तक इसे कर सकते हैं अच्छे से। विल इनहेल, again one more time। Very well done. We'll relax. आपने फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में जैसे डॉक्टर से सुना होगा कि हमारे हार्ट हमारा हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, गंदा खून हमारी बॉडी से निकालना और साफ खून हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना। और आपने सुना होगा, आपने उनसे समझा होगा कि हमारे ब्रेन को 24/7 साफ खून की ज़रूरत होती है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें हम हल्की हल्की अपनी लिमिट्स को पुश भी करते हैं, हम सांस रिटेन करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे एक्सहेल करते हैं, तो हम पूरे तरीके से उसे बाहर निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो होती है पहले तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, उस पर स्ट्रेस कम पड़ता है, उस पर वर्कलोड कम पड़ता है, वो फ्रीली ब्लड सर्कुलेट कर पाता है, उसे भी ताकत मिलती है, हमारे लंग्स अच्छे होते हैं और उसी के साथ जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। और जब हमारा ब्रेन ऑक्सीजन रिच ब्लड में काम करेगा वो उतना ही ज़्यादा फ्रेश रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और उसी के साथ साथ आपका ब्रेन, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो काम रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो जैसे योगा, योग में जो पोजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक पोज एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पोज का, हर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अपना इम्पोर्टेंस है और कुछ कुछ जगहों पे उन इम्पोर्टेंस में हल्की सी बढ़ोतरी और हो जाती है, वो किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये पोजेस ख़राब कभी किसी के लिए नहीं होते, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको देखना होता है कि आपकी आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आप वो कर सकते हैं या नहीं। आपको इंजरी है और आप कहें कि आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और मैं ये कर नहीं सकता या ये योगा पोज मेरे लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान रखकर, आप कभी भी कोई भी पोज करने वाले हैं, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी को देखना है, समझना है कि वो पोज, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं, और फिर उसमें आगे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना है, उसमें भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वंस यू एस्टैब्लिश द बेसिक प्लेटफॉर्म, द बेसिक फाउंडेशन फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर योगा योगा प्रैक्टिस, देन
आप उसमें अपने हिसाब से वेरिएशन ला सकते हो, आपको पता होता है कि आप कब कैसे कर सकते हो, आप उसे कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो पहले हमें एक फाउंडेशन बनाना है और उसके बाद आगे अपने हिसाब से काम करना है। तो इसके साथ हम अब अपने पोजेस की तरफ जाएंगे एंड फॉर दैट हम स्टार्ट करेंगे स्टाफ पोज से। उसके लिए हम अपनी लेग्स स्ट्रेट करेंगे, अपने हाथ हमारे मैट पे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम अपनी बैक को। इनहेल, एक्सहेल। इसके 5 राउंड्स करके हम आगे वाले पोज की तरफ चलेंगे। लास्ट वन, अमेजिंग। एंड नाउ वील डू बद्ध कोणासन एंड फॉर दैट हम अपने पाओं को साथ में ऐसे जोड़ेंगे और अपनी जो लेग्स हैं उन्हें अप एंड डाउन लिफ्ट करेंगे। और योग करते हुए, हम ये प्रैक्टिस करते हुए अपने दिमाग पे, अपने अपने कॉन्शियस पे हल्का सा ध्यान देंगे हम। इसे आप जितना स्लो करें उतना आप अपने दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एज इफ योर ब्रेन इज टेलिंग द बॉडी व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। Inverted poses. जब भी आप योगा पोजेस करते हैं और अगर आपको लगे कि आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट पड़ रही है, आपको सांस लेने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है, तो आप एकदम से उस वक्त बैठ जाएं, शांत हो जाएं और उस शॉर्टलेसनेस को चेंज कर लें डीप ब्रीदिंग में, क्योंकि आपको, आपकी बॉडी को उस वक्त सांस ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो आप एकदम से बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो एकदम से रिलीज हो जाएगा, शांत हो जाएगा। योगा बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है।
आप कभी भी अपनी बॉडी पे अनयूजुअल एग्जर्शन कभी नहीं लगाते हो। आपकी बॉडी स्मूथली आगे बढ़ती है, स्मूथली स्ट्रांग भी होती है, आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, आप स्ट्रांग भी हैं। योगा एक इतनी स्मूथ प्रोसेस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कैसे, जो आपको लगता है कि बहुत टफ पोजेस है आप वो कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आप वो पहले कर नहीं सकते थे लेकिन अब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप जो वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। तो योगा इतना स्मूथली आपको ट्रांजिट करता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं आपकी बॉडी पे कभी एग्जर्शन नहीं होगा, आप उसे स्मूथली कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक दिन आप कर लेते हैं। तो हम इसमें कभी भी अपनी बॉडी पे ओवर एग्जर्शन नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो योगा करने का तरीका भी है वो भी स्मूथली ही रहना चाहिए। हम इसे स्मूथली करें, अच्छे से करें, जितना शांत हो सकता है उतने शांति में हम इसे करें। शांति एज इन फिजिकल शांति की बात नहीं करी मैं, हमारे अपने अंदर जो शांति होती है उसकी बात करी, क्योंकि 2400 घंटे ये दुनिया चलती है, आवाज़ होंगी, सुनाई भी देगा, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं सुननी है। आपको बस खुद पर ध्यान देना है, खुद के बारे में, आपका खुद का यूनिवर्स कैसा है, वो शांत है कि नहीं वो मैटर करता है। तो इतनी बातों के बाद हम अपने योगा पोजेस पे आएंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले अपनी लेग्स ऐसे फोल्ड करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे हम फॉर अबाउट 1 मिनट। वेरी गुड, एंड विल ट्रांजिट टू आर नेक्स्ट पोज। हम इसी तरह बैठे हुए हम अपने नेक्स्ट पोज में चले जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एज वी इनहेल हमारे जो पाँव हैं वो ऐसे ही मैट पे रहेंगे, लेकिन हमारी जो थाइज हैं वो लिफ्ट होंगी और अपर बॉडी उसके साथ लिफ्ट होगी। Again, down, again, inhale, release. Release. Inhale. And release. Very good. You'll feel your heart opened.
वेरी गुड, टेक ऑन डीप ब्रेथ्स. Good, and now we move to child pose, extended child pose. Very good. And now tabletop position में आएंगे हम. प्लेस योर हैंड्स. पहले हम अपनी जो फिक्सेशन है जिसके बेसिस पे हम अपने पोज करेंगे, जैसे हमारे हाथ हमारे पैर, तो हम पहले उनकी पोजिशनिंग पहले अच्छे से पूरी फिक्स करके ध्यान से उसे देखकर फिर हम अपने पोज की तरफ बढ़ते हैं. क्योंकि अगर आप उसे ध्यान से नहीं करेंगे, अगर आपका होल्ड अच्छा नहीं है, तो आपका पोज जो है वो आपको, आपकी बॉडी को एक अनयूजुअल जर्क दे सकता है और आपको उससे इंजरी भी हो सकती है. तो व्हेन वी एंकर आवरसेल्फ, देन वी विल लिफ्ट टू डाउनवर्ड डॉग पोज. वेरी गुड. हम इस पोज को अब एक मिनट के लिए करेंगे. वेरी गुड, यू कैन डू इट. हम ट्राई करेंगे, एक मिनट के लिए करेंगे. And to extended child pose. Very good. And now, again, हम टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे, लेकिन इस बार हमारी जो एल्बोज हैं वो हमारी मैट के साथ एंकर हो जाएंगी और हम अपनी लोअर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, सेम जैसे हमने डाउनवर्ड डॉग में किया था. लेकिन हमारी जो एल्बोज हैं वो ऐसे ग्राउंड पे होंगी. इस पोज को कहते हैं डॉल्फिन पोज. ये
वेरी गुड एंड डाउन। Good. अगर आप थक गए हैं तो आप 30 सेकंड का पॉज ले सकते हो। वेरी गुड एंड नाउ हम अपने अगले पोज के लिए जाएंगे जिसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने पाँव के इन बिटवीन हम थोड़ी सी जगह रखेंगे ताकि हमें लिफ्ट करने में जब हम ताड़ासन करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, हमें एकदम से ऐसे चिपकाना नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस हम रखते हैं। बैक स्ट्रेट एंड नाउ विल डू ताड़ासन। फाइंड योर मोमेंट एंड इनहेल। Very good. And down. Amazing. Again. Very good. And down. Amazing. Again. डाउन। वेरी वेल डन। तो आप इसमें थोड़े से शेकी हो सकते हो, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। इनहेल एंड नाउ विल प्रैक्टिस सम मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि हम खुद से बात करते हैं, इस यूनिवर्स से बात करते हैं, और हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं कि जो हमें करना है, हम कैसे करें, रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं ऐसी मैनिफेस्टेशन करके। और जब हम इसमें 100% बिलीव करके हम इसे कहते हैं, हम इसे बोलते हैं, तो हमारा यूनिवर्स जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम भी करता है, हमारी बॉडी भी उस तरीके से काम करती है। तो हम अब विल मैनिफेस्ट, हमारे हाथ इस तरीके से रहेंगे लाइक दे आर ओपन फॉर एवरी पॉजिटिविटी, फॉर ऑल द गुडनेस ऑफ द यूनिवर्स। आर हार्ट इज ओपन, आर माइंड इज ओपन टू रिसीव
all the purity, the goodness, the positivity. So we'll say to ourselves that I am. I can. And I will. Again. मैं हूँ. मैं कर सकती हूँ. और मैं करूँगी. Relax and sit down. For the last time, हम यही manifestation बैठ कर करेंगे. I am. Repeat after me. I am. I can. And I will. Very good. हम अपनी आंखें बंद रखेंगे. इस पॉजिटिविटी को हम अपने बॉडी के हर एक कॉर्नर तक जाने देंगे, पहुंचने देंगे. ऑब्जर्व योरसेल्फ, कॉन्सेंट्रेट. धीरे बिल्कुल आराम से हम अपनी आंखें खोलेंगे. जैसे हम सोकर सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें जो धीरे धीरे खुलती हैं, हम एकदम से नहीं खोलेंगे. धीरे धीरे प्यार से हम अपनी आंखें खोलेंगे. एंड विल वेलकम ऑल ऑफ द न्यू यूनिवर्स, द पॉजिटिव, द गुड यूनिवर्स फॉर योर सेल्फ. तो अगर आपने मेरे साथ ये सब प्रैक्टिसेस अच्छे से की तो आपको फील हुआ होगा कि कैसे हमारा माइंड शांत है और कैसे इस शांत माइंड की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और हमारे लिए हमारी लाइफ में इस टाइप का, इस तरीके का हमारा माइंड शांत और वेरी वेल ट्यून्ड हमारी बॉडी के साथ हमें कितना हेल्प कर सकता है. और इसके साथ आपको ये पता चला होगा कि इसका ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है. हमारी औरतें जो हैं बहुत सारी चीज़ें संभालती हैं, बहुत सारे इमोशंस में. हम जैसे वी वेमेन आर वेरी मच, आई कैन से वेरी मच लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ इमोशनल प्लेन. अगर हमें कोई कहता है कि, अगर आपको कोई भी कहता है कि आप लड़की हैं, आप जल्दी रोने लगती हैं, तो इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. इट्स लाइक अ बून फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इतने इमोशनल हैं, हम इतने इमोशंस हमारे अंदर हैं कि जब भी हमें कुछ भी बुरा लगता है तो हम उसे रो कर बाहर निकाल देते हैं. इट्स लाइक अ रीस्टार्ट बटन फॉर अस. तो जो मेन हैं कंपेरेटिवली टू वेमेन, वो थोड़े से इसमें पीछे रह जाते हैं. इसलिए वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस बाहर निकाल नहीं पाते. अगर हमारे पास ये गिफ्ट है तो हमें इसी वीकनेस नहीं समझना है, ये हमारे पास एक गिफ्ट है. अगर हमें कभी भी कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको जो अच्छा लग रहा है, हमें सेल्फ हार्म नहीं करना है कभी भी. दैट इज़ एन इशू
विच इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन. अगर आपको कभी भी ऐसा कोई भी ख्याल आता है, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, आपको कोई बात करने को नहीं मिल रहा, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो. हम आपके लिए हमेशा हैं. द योगा जर्नी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है. अगर आपको कभी भी ऐसे थॉट्स या आपको कभी भी कुछ ऐसा ख्याल आता है, सेल्फ हार्म करने का मन करता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं. तो जैसा मैं कह रही थी कि हमारे इमोशंस बाहर आना एक अच्छी बात है, इसे कभी भी वीकनेस नहीं समझना चाहिए. तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, तो आप उसे रो दें. क्योंकि जब आप रोएंगे, आपकी वो सारी नेगेटिविटी का जो क्लस्टर हमारे अंदर बन चुका होता है वो रिलीज हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे. तो यूज़ इट एज एन ऑप्शन फॉर योर नेगेटिविटी टू कम आउट ऑफ योर बॉडी. तो ये वीकनेस नहीं है. हर एक चीज़ जो हमें उस डिवाइन ने दी है वो एक पावरफुल चीज़ है. बस हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे यूज़ कब करना है. और यूज़ करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उस चीज़ से कभी भी किसी के हार्म के लिए उसे यूज़ करें या मैनिपुलेट करने के लिए करें. हमेशा हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम पहले तो हम अपने आप को संभाल लें, फिर हम दूसरे की तरफ जाएँ. तो जब आप अपने आप को संभाल लेंगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरे की तरफ जाएंगे, नहीं आपका ध्यान ही नहीं जाएगा. तो आज हम इतनी सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. हम दो मिनट के लिए शांत होंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं. अननेसेसरीली कभी किसी के बारे में, शायद अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में. हमारा दिमाग अगर शांत नहीं है तो हमारे दिमाग में अलग 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 पकवान पकते रहेंगे और उन्हें शांत करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो शांत नहीं होंगे तो वो जो थॉट्स होंगे वो हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, हेट्रेड, इन सब चीज़ों में बदलना शुरू हो जाएंगे. तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे इसलिए भी काम करना है ताकि हम इन सारे इमोशंस पे अच्छे तरीके से काम करके इसे कंट्रोल करें और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग बनाएं और हम खुश रहें और औरों में भी खुशी बांट सकें. और इम्पॉर्टेंटली, आज जैसे मेंटल हेल्थ की ही बात चल रही है, तो इंडिया में जैसे आपको पता ही है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पहले तो कंसिडर नहीं किए जाते थे, लेकिन अब अच्छा लगता है कि कुछ लोग आकर बात करते हैं इस बारे में, बहुत ही ब्रेवली बात करते हैं. और इन्हीं से आपको भी प्रेरणा लेकर ब्रेवली इस बारे में बात करनी है. आपको, आपके पास कोई दोस्त है, आपके पास कोई भी है, कोई भी इंसान अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं उससे बात करने के लिए, आपको कभी भी कुछ भी फ्रस्ट्रेटिंग लगे, बोल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए. हमेशा हमने अपनी बॉडी को डंप नहीं बनाना है, चाहे वो फिज़िकल मटेरियल खाने से लेकर, आप जंक फूड से लेकर कुछ भी ऐसा, या अपने माइंड में जो हम नेगेटिविटी, हम टॉक्सिंस, जो ये टॉक्सिसिटी जो भरते हैं किसी के बारे में सोचकर, किसी को कुछ बोलकर, किसी को सपोर्ट ना करके, ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में डंप नहीं करनी है, हमें अपनी बॉडी में डंप नहीं करना है. हमें अपनी बॉडी बिल्कुल रिलीज रखनी है, खाली रखनी है, शांत रखनी है. हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है. हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिला है इस लाइफ को इंजॉय करने का, तो हम ये वक्त अपने लिए रखेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे. और आपको भी ये सब चीज़ें अगर आपको लगती हैं, आप में आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों से बात करें, आप अपने लविंग बीइंग से बात कर सकते हैं, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है. अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, आप उस तरीके से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं. आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं और इसी के लिए हम यहाँ पर हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं, किसी और को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे पास हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें. और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और गुड बाय.